Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. बच्चे आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. न्यूमेरिकल्स हम लोग इसे तकरीबन वाइज करेंगे. पहला न्यूमेरिकल आप देखेंगे पेज नंबर 105 निकालेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 4.1 देखेंगे. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस. हमें कहा जाता है कि रिजल्ट मालूम करें हम कितने फोर्सेस का फोर्सेस हैं कौन कौन सी. तीन फोर्सेस दी हुई हैं ठीक है. पहली फोर्स क्या है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस. 10 न्यूटन लग रही है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर. और दूसरी फोर्स जो है हमारे पास है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस. उसे वो 6 न्यूटन है वाई एक्सिस के ऊपर लग रही है. और फिर तीसरी फोर्स वो भी हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही है लेकिन वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस लग रही है. और वो हमारे पास 4 न्यूटन लग रही है. अगर एक एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही है और एक उसके नेगेटिव लग रही है. अगर हम कंबाइन कर लेना हो तो एक्स एक्सिस को फाइंड आउट कर सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं जो है इसे हम लोग F1 का नाम दे देते हैं. इसे हम लोग F2 का नाम दे देते हैं. F1 में से F2 को माइनस कर देते हैं. हमारे पास आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो टोटल रिजल्टेंट है वो की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके वो हमारे पास आ जाती है. 10 में से हम 4 को माइनस करते हैं 6 न्यूटन आ जाती है. अब हमारे पास वाई एक्सिस वाली एक वैल्यू आ गई जो 6 न्यूटन है. और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग रिजल्टेंट की वजह से वैल्यू मालूम कर लेंगे हमारे पास 6 न्यूटन आ गई. इन दोनों की मदद से हम लोग जो है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे. और हमें ये भी कहते हैं उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं. हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम लोग रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं. हम लोग रिजल्टेंट ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हम लोग इन ये हमारा फार्मूला है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर. एफ एक्स हमारे पास जो हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट की मदद से फाइंड आउट की वो 6 आ गई. और एफ वाई हमारे पास ऑलरेडी पहले की होती है वो भी 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर. 6 का स्केल लेंगे तो 36 और दूसरे 6 का भी स्केल लेंगे वो भी 36. अंडर रूट 72 करेंगे. अंडर रूट 72 हमारे पास आ जाएगा फोर्स आ जाएगी 8.5 न्यूटन. और अगर हमें कहा जाता है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो हम लोग डायरेक्शन इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास थीटा अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा इज टैन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स हमारे पास फॉर्मूला है. एफ वाई की जगह हम लोग 6 लिखेंगे और एफ एक्स हमारे पास वो भी 6 है. तो हम 6 को 6 से कैंसिल करके बताया 1 बच गया. टैन इनवर्स 1 आपको कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी. और हमें कहा जाता है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें. मींस के fx और fy को फाइंड आउट करें. अगर हमने इस यूनिट में पढ़ा होगा अगर हम लोग fx फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला fx इक्वल टू f cos थीटा. और अगर हम लोग fy फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला fy इक्वल टू f sin थीटा. तो हम लोग f cos थीटा के अंदर इसकी वैल्यूज पहले पुट करते हैं ताकि हम लोग x एक्सिस को फाइंड इसकी फोर्स fx फाइंड आउट की जा सके. f की जगह पे 50 न्यूटन आ गया और cos थीटा थीटा हमारे पास 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री करेंगे तो 0.866 आ जाएगा. उसे हम लोगों ने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास fx की वैल्यू आ रही है 43.3 न्यूटन. और सिमिलरली अगर हम लोगों ने fy फाइंड आउट करना है तो fy के लिए हमारे पास फार्मूला है f sin थीटा. sin 30 डिग्री करेंगे तो sin 30 डिग्री हमारे पास 0.5 आता है. 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो fy की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन. सिमिलरली अगर हम वेरिएबल देखेंगे आप फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ आवर फोर्सेस. हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है. जबकि हमारे पास उसकी कंपोनेंट्स गिवन है x कंपोनेंट हमारे पास 12 न्यूटन है और y कंपोनेंट हमारे पास 5 न्यूटन है. तो अगर देखिए हमारे पास x कंपोनेंट 12 न्यूटन है y कंपोनेंट 5 न्यूटन है फोर्स फाइंड आउट करनी है उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है. वही पहले वाला फार्मूला है ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे f इक्वल टू अंडर रूट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर. fx की जगह पे 12 का स्क्वायर है y की जगह पे 5 का स्क्वायर. तो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे अपना इन 12 का स्क्वायर ले लिया 144 5 का स्क्वायर ले लिया 25 दोनों को ऐड करेंगे तो 169 अंडर रूट 169 करेंगे तो 30 न्यूटन हमारे पास इसकी फोर्स आ जाएगी. और अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वही पहले वाला फार्मूला जो हम लोगों ने अप्लाई किया था पिछले 4.1 में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx. fy की जगह पे हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा और fx की जगह पे 12 आ जाएगा. 5 डिवाइडेड बाय 12 करके tan इनवर्स कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 22.6 डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल है 4.4 4.4 देखिए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. फोर्स गिवन है हमारे पास 100 न्यूटन और वो फासला दे दिया गया हमारे पास जो डिस्टेंस दे दिया गया जो मोमेंट आर्म दे दिया गया वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे दिया गया सेंटीमीटर दे दिया गया. सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा. और हमें कहा जाता है कि इसके अंदर टॉर्क फाइंड आउट करें टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हो रही है. तो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय एल मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. फोर्स हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन मोमेंट आर्म हम लोगों ने सेंटीमीटर में गिवन था उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 मीटर आ गया. फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे
पास 10 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा इसके बाद 4.6 देखें आप लोग, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार, हमारे पास एक गाड़ी का स्टीयरिंग जो दिया है उसका रेडियस दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है हमारे पास, और फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन, हमारे पास जो हम लोग ने टॉर्क फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ कपल वो हमारे पास 50 न्यूटन है, फोर्स अप्लाई और ये 50 न्यूटन है, रेडियस हमारे पास दे दिया 16 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि जब हम लोग कपल की बात करते हैं तो हम लोग पूरा डायमीटर इसे इसमें पुट करते हैं, तो अगर हम लोग डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टेयरिंग का तो हमारे पास इसके डायमीटर का फॉर्मूला, अगर ये रेडियस के डबल होगा तो हम लोग डायमीटर जो है 2R के बराबर आ जाएगा, 2 वैसे के वैसे आ जाएगा, आर की जगह हम लोग ने 16 सेंटीमीटर अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 32 सेंटीमीटर आ गया, 32 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 0.32 मीटर आ जाएगा, हमारे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास कपल वाली फोर्स गिवन है, अगर हम लोगों ने टॉर्क फाइंड आउट करनी है इन दोनों को 50 न्यूटन को भी और 0.32 मीटर को आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 23.1 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो बल्कि 16 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अगला हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल है 4.7, ठीक है 4.7 को हम लोग देखेंगे, हमारे पास कहा जाता है कि एक पिक्चर फ्रेम इन हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग, एक जो है तस्वीर को हैंग किया गया दो रस्सियों के साथ, ठीक है द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट इन द पिक्चर फ्रेम, ठीक है कि हमारे पास हम लोगों ने जो है उस फ्रेम का जो है वेट फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के हमारे पास गिर हुई है, एक हमारे पास जो रस्सी है उसके अंदर जो टेंशन है 3.8 न्यूटन है, दूसरे के अंदर जो है 4.4 न्यूटन है, अगर हम टोटल टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं इन दोनों टेंशन को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3.8 प्लस 4.4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8.2 न्यूटन आ जाएगी, और अगर हम लोग इसका वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं हमें मालूम है कि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली दोनों फोर्सेज लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम सम ऑफ ऑल फोर्सेज जीरो होना चाहिए, तो टेंशन में से वेट को अगर हम लोग माइनस करना चाहिए जीरो होना चाहिए तो माइनस डब्ल्यू को खा के उधर लेके जाएंगे तो प्लस डब्ल्यू, तो टेंशन वेट के बराबर आ जाएगी, मतलब वेट टेंशन में इक्वल आ गया, वेट हमारे पास वही आ जाएगा, तो हम लोग टोटल टेंशन फाइंड आउट किए 8.2 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे 4.8, टू ब्लॉक्स, हमारे पास दो ब्लॉक गिवन है, ऊपर वाला ब्लॉक 5 kg है, नीचे वाला ब्लॉक 3 kg, हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक का नाम दे देते हैं ए और नीचे वाले ब्लॉक का नाम दे देते हैं बी। अब हमें ये कहा जाता है कि ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पर ये वाली जो कॉर्ड है या स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन फाइंड आउट करें और नीचे वाले जो ब्लॉक की वजह से इसके अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है ये भी फाइंड आउट करें। पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे हमारे पास मैस गिवन है, वेट गिवन नहीं है, हम लोग मैस को चेंज करेंगे वेट के अंदर, हमारे पास वेट वाला फार्मूला W=mg, मैस हमारे पास अगर 3 है तो जी की वैल्यू 10 है, इसे हम लोग 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 30, मतलब अगर हम ब्लॉक बी का वेट देखेंगे तो हमारे पास 30 न्यूटन आ जाएगा, और सिमिलरली अगर ब्लॉक ए का वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका वेट हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि जो टेंशन है टेंशन इन द स्ट्रिंग वो वेट के इक्विवेलेंट होती है, ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के साथ अगर आप लोग देखें तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक हैंड है, ये वाला ब्लॉक हैंड है, इसका मतलब है कि इस टेंशन इसके अंदर जो जिस हम लोगों ने टी वी का नाम दिया है ये 30 न्यूटन हो जाएगी, जबकि इस अगर हम लोग इस जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अगर हम टेंशन देखेंगे तो इसके अंदर इसके साथ ये वाला ब्लॉक भी है और नीचे वाला ब्लॉक भी है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये वाला ब्लॉक भी ऐड होगा और ये वाला ब्लॉक भी ऐड होगा, तो ये 50 न्यूटन और प्लस 30 न्यूटन ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 80 न्यूटन हमारे पास इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। और भी आपको सारे जो है न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करना है अपने नीट रजिस्टर्ड पेपर और बाद में आपकी प्रैक्टिस चेक होगी, आपने अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।